हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आईटी वर्सेस सीएस, देश की टॉप डिमांडिंग इंजीनियरिंग ब्रांचेस। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट भी इसमें मिलता है और सबसे ज़्यादा सीट्स भी इसमें ही रिजर्व रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या रहता है। आईटी का मतलब रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस का मतलब रहता है कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप एक बार पहले इसको पढ़ लीजिए और इसका एक डॉक्यूमेंट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और बिफोर स्टार्ट द वीडियो, आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं आईटी इंजीनियरिंग से। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें आपका सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर का भी उतना ही इंपॉर्टेंस रहेगा। सपोज आप अपना लैपटॉप ही ले लीजिए, उसमें हार्डवेयर में आपका प्रोसेसर आता है, रैम आता है, उसकी हार्ड डिस्क आती है और काफ़ी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, उसकी भी आपको साथ में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। पर अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि आपको मोस्टली प्रोग्रामिंग पर फोकस करना रहेगा। जैसे कि आपका जावा लैंग्वेज हो गया, आप अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कीजिए जो यूज़र फ्रेंडली भी हो और उसमें हार्डवेयर की कम इंपॉर्टेंस रहती है। उसके बाद हम आईटी की बात करें, तो उसमें आपका इंटरेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा इंडस्ट्रियल एरिया के साथ। मतलब आपको क्लाइंट के साथ बैठना पड़ेगा, उसके रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो वो इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। अगर हम बात करें आईटी की, तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। और बेसिकली सीएस में क्या रहता है कि उसमें आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सपोज एक टीम ने आपको एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना के दिया, तो उसमें आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि वो सभी प्लेटफॉर्म पे पूरा फुल्ली रन होता है, कि कुछ एरर आती है, क्या एरर आती है, उसको सॉल्व कैसे करें, तो वो रहता है टेस्टिंग पेज। उसके बाद हम स्किल्स की बात करें, तो आईटी में आपको स्किल्स मेन होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कस्टमर सर्विस। और हम बात करें सीएस की, तो उसमें आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। अगर मैं बात करूँ कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है एक एसक्यूएल है, एक जावा है, एक सी है, सी प्लस प्लस है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। उसके अलावा मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट किस में ज़्यादा हो, तो ऐसा नहीं है कि आईटी लिया तो उसमें आपका प्लेसमेंट ज़्यादा होगा और आपने सीएस लिया तो उसका प्लेसमेंट कम होगा। सपोज एक कंपनी मान लो एक्सेंचर है, तो वो ऐसा नहीं सोचेगी कि ये आईटी वाला है तो उसको ज़्यादा प्लेसमेंट है और ये सीएस वाला है तो उसको कम प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहता है, फिर आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करे आप कितना अच्छे से परफॉर्म करते हो प्लेसमेंट पर। उसके अगर हम बात करें कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के सब्जेक्ट में भी हार्डली 3 से 4 डिफरेंट सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसा कि आपका DBMS है, डेटा स्ट्रक्चर है, आपका OS है, मोस्टली सब्जेक्ट्स आर सेम इन द बोथ फील्ड। थैंक यू गाइज़।